जो दो चीजें तुमने बोली है भी, प्रोफेशनलिज्म एंड हॉबीज की तरह चला सकते हो, तो दोनों को सेम लेवल पे चलाना नॉट एन इजी टास्क, तू तो जानते ही है। सेम लेवल मतलब एज इन कैसे? जैसे कि तुम जॉब भी कर रहे हो तो हॉबी भी कर, इंसान के पास जॉब के बाद टाइम कहाँ बचता है, तो खुद सोच। टाइम नहीं बचता, इसीलिए तो हम उसको हॉबी कहते हैं। हॉबी का मतलब ही ये होता है कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको टाइम कभी मिल रहा है तो आपने बस कर लिया कि चलो भाई आपको फोटोग्राफी करना पसंद है तो आपने संडे को आपको टाइम मिला, आप कितने भी आप थके हुए हो बट आपकी हॉबी है, आप निकले सड़कों पे या कहीं पे भी आपने फोटोग्राफी कर ली, आपका शौक भी पूरा हो गया ये। बट ये कहना कि मैं अपने पैशन को प्रोफेशन बना दूंगा, उसके लिए ना पूरा गेम ही उल्टा हो जाता है। वो तो एक लगा लो कि इट्स अ होल न्यू डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, वो बिल्कुल अलग ही चीज़ है। उसमें आपको बहुत सारी अलग चीज़ों को काउंट इन करना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको देखने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए, कंसिडर करने पड़ते हैं। अब बहुत लोग हैं जो कि मतलब जिन्हें कहते हैं ना कि वो अपने ख्याली पुलाव में दिमाग में रहते, वो काउंट नहीं करते इस चीज़ को, और फिर वो सफरिंग होती है कुछ टाइम के बाद कि भाई अब वो भी नहीं कर पा रहे जो करना चाहते थे, और जो करना चाहिए था अब वो भी नहीं कर सकते, अब ऐसी स्टेज में आ गए हैं। तो फिर वो जहाँ से तुम ना इधर जा पा रहे ना तुम इधर जा पा रहे, तो वो हिंदी में कहावत है फिर कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ धोबी, हाँ ना यहाँ का ना वहाँ का, वो वाला हिसाब किताब है। तो बेटर है कि अगर शुरू से ही हम इस चीज को अगर कंसिडर करके चले कि ठीक है सेफ्टी सिक्योरिटी पैसा जरूरी है, अपना पैशन को फॉलो करना और इन सब चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है अपनी खुद की पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, और फिर एक बैलेंस बना करके लाइफ में चला जाए तो वो ज्यादा बेटर है। और सही बात है मिडिल क्लास फैमिलीज में ये होता है, बट मैं ये मानता हूँ कि उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, हमसे मेरा मतलब है हम यंगस्टर्स, कि अगर हम किसी काम को करना चाहते हैं तो वो कन्विक्शन हमारे अंदर आना चाहिए सबसे पहले कि हाँ हम कर सकते हैं इस चीज को बढ़िया तरीके से, फिर वो धीरे धीरे पेरेंट्स जो है ना सपोर्टिव हो ही जाते हैं।